आज पुंछ में होमगार्ड एसोसिएशन का निर्वासन भाजपा के प्रवक्ता सुनील गुप्ता से मिला और अपनी समस्याओं को व्यक्त किया। गुप्ता साहब बताएंगे कि काफी देर से होमगार्ड का मसला है, यहाँ हल नहीं हो रहा है, तो आज ये आपके पास हक क्या के? 1999 के अंदर होमगार्ड यहाँ पर लोगों को भर्ती किया गया था, हमारे जो भाई हैं इनको भर्ती किया गया था। उस समय मिलिटेंसी जो यहाँ पर पीक के ऊपर थी और उस समय जो सरकार ने इन लोगों को किसी को हवालदार का रैंक दिया था, किसी को सब इंस्पेक्टर का रैंक दिया था, किसी को ASI का दिया, कंपनी कमांडर का रैंक दिया था और इनसे उस मिलिटेंसी के अंदर भरपूर ड्यूटियाँ ली गई। जैसे SPO ड्यूटी करते थे, पुलिस वाले ड्यूटी करते थे, उस समय हमारी जरूरत थी तो हमने इन लोगों को भर्ती करके उस मिलिटेंसी के अंदर इनको एक फौज की तरह खड़ा किया। लेकिन जैसे ही मिलिटेंसी खत्म होने के ऊपर आई तो इनको जैसे इस्तेमाल की हुई चीज़ होती है उस तरह कर दिया गया। मैं समझता हूँ आज मात्र 2700 रुपये इनको पे मिलती है, जबकि एक डेली वेजर को सरकार ने यहाँ 18600 रुपये पे कर दिया है। मैं समझता हूँ इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस किया, वहाँ से केस जीता, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि इनको एक सफाई के बराबर पे दी जाए। और सबसे जो बड़ी बात है, जब से 370 और 35 यहाँ पर ख़त्म हुआ है, जो UT बनी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून लागू हुआ है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। ये जो कागज मेरे हाथ में है, इसके अंदर जो अलग अलग स्टेटों के अंदर जो इनकी पे मिलती है, किसी को 27000 रुपये मिलती है किसी स्टेट के अंदर, किसी को 30000, किसी को 28000, किसी को 26000। मैं समझता हूँ अगर पूरा हिंदुस्तान आज एक प्लेटफार्म पर खड़ा है यूटी लगने के बाद, तो इनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से, अपने स्टेट के गवर्नर मनोज सिन्हा जी से और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राणा जी से अनुरोध करूँगा कि जो इनकी डिमांड है इनको पूरा किया जाए। अभी पिछले दिनों गवर्नर साहब ने कहा था कि हम सभी डेली वेजर को पक्का कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जो हमारे डेली वेजर हैं, ये जो हमारे होमगार्ड के भाई हैं, इनको भी पक्का किया जाए ताकि इनका भी घर बार गुजर बसर हो सके। पिछले 27 साल से ये काम कर रहे हैं, 27 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है और दुख की बात है कि आज सिर्फ 9 दिन से ड्यूटी ली जाती है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना कहता है, एक मजदूर की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। जब हमारी जरूरत थी तो हमने इनका भरपूर काम लिया है और आज भी इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। सर, प्रोटेस्ट तो हम बार बार करते आ रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस से, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक रखते हैं। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से, कि आखिरकार हमने क्या गुनाह किया है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें लिखा गया था कि इनको एक कांस्टेबल के बराबर जो है सैलरी दी जाए, लेकिन 2015 से लेकर आज तक वो ऑर्डर जो हमारा वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो चलो उसको भी जाने दो, पहले तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें फ़ख्र है इस चीज़ का कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन अब UT लागू हो गया, 370 हट गया है, 35 हट गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखे जाए अदर स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में 18000 प्लस सैलरी मिलती है होम गार्ड्स को, लेकिन हमारे साथ यहाँ बहुत बड़ा नाइंसाफ हो रहा है, सिर्फ 2700 रुपये सैलरी। बताओ 2700 रुपये में हम कैसे घर बार चलाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे परिवार है हमारा, तो हम कैसे? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बाकी जो स्टेटें हैं उनकी तरह हमें भी सैलरी लागू की जाए। हम मोदी साहब से, PM मोदी साहब से, अपने गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस ऑर्डर को फौरी तौर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम भी अपना घर बार चला सकें। शुक्रिया।